सोइंग टाइम, जैसे पहली स्लाइड में हमने बताया था कि 15 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, 15 डिग्री से नीचे इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो आइडियल टाइम उस वक्त होता है कि सर्दी के बाद जब 15 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा स्पेशली नाइट का टेम्परेचर स्टेबल हो जाए, उस वक्त इसकी सोइंग का टाइम होता है। हमारे इधर सेंट्रल पंजाब में नॉर्मली जो मिड फरवरी है उसके बाद वो टाइम होता है कि इसकी सोइंग हो सकती है, लेकिन ये पोठोहार रीजन में या इस्लामाबाद में ये मार्च के शुरू में ये टेम्परेचर हमें मिलता है। जर्मिनेशन अगर किसी के पास स्प्राउटिंग रूम हो या जैसे कंट्रोल टेम्परेचर सिस्टम हो, तो वहाँ पे 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर मेंटेन कर लिया जाए तो उसमें हेल्दी और जल्दी जर्मिनेशन हो जाती है। और इसमें यह कि सर्दी के बाद जितनी जल्दी इसकी सोइंग कंप्लीट हम कर सकें टेम्परेचर मतलूबा मिलने के बाद उतना अच्छा होता है, ताकि आगे गर्मी से पहले पहले पौधा अपने आप को इस्टेब्लिश कर लें। मल्चिंग की बात हो गई है, तो ये अगेन ये बड़ी ज़रूरी स्टेप है, इसको आपने करना है। ये जहाँ पे आपने पौधे लगाए हैं एटलीस्ट वहाँ पे आप उसको कवर कर दें सॉइल को, लेकिन अगर पूरी सॉइल को भी कवर कर देंगे तो नीचे माइक्रो एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा और जो प्लांट की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फर्टिगेशन, अब इसको जैसे शुरू में बात हम कर रहे थे कि हमारी ज़मीनें जो हैं वो अल्कलाइन हैं, पीएच उनकी ज़्यादा है, तो इसको हमने वो वाली खादें देनी है जो पीएच को थोड़ा सा बेहतर करती हैं, या एसिडिक जो जिनको हम फर्टिलाइजर कहते हैं वो इस्तेमाल करनी है। तो उसकी इसकी जो पर एकड़ रिक्वायरमेंट है एनपीके की, यानी नाइट्रोजन इसको 30 केजी चाहिए, जो कि 125 केजी अमोनियम सल्फेट और 25 केजी एमएपी के अंदर पूरी हो जाती है। 20 केजी इसको फास्फोरस चाहिए, जो मोनोमोनियम फास्फेट के 25 केजी में और फास्फोरिक एसिड के 8 केजी में इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। 20 केजी इसको पोटास चाहिए, जिसके लिए 40 केजी हम एसओपी अगर देंगे तो इसकी मतूबा रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से खादें कैसे देनी है, खादें देने के लिए बेसल डोज जो है उसमें आधी फास्फोरस और आधी जो पोटाश है वो आपने वन टाइम नीचे, जैसे मैंने बताया था कि जब लगाना है आपकी जगह तैयार कर ली, खानियाँ बना ली, उसमें जो अगर किसी के पास वो बल और रूढ़ी का मेज़ा है उसमें बेसल डोज मिक्स करके नीचे फैला दें, ऊपर गंडियाँ रख दें और कवर कर दें। अगर वो नहीं है तो सिंपली खाद का नीचे आप उसको डालें और मिक्स करें सॉइल में और ऊपर गंडियाँ रख के तो आप सोइंग कर दें। फिर ट्रांसप्लांटिंग के एक महीने के बाद 31वां दिन जब होगा उस वक्त आपने खाद शुरू करनी है। तो उसके लिए मकदार ये है कि अमोनियम सल्फेट पूरे महीने के लिए 12.5 केजी, और जो मोनोमोनियम फास्फेट है, मोनोमोनियम फास्फेट अगर किसी को नहीं पता, फार्मर्स भी हैं, कि डीएपी का नेमल बदल है, डाइमोनियम फास्फेट डीएपी होती है, तो मोनोमोनियम फास्फेट हमने इसमें देनी है, ये इसकी पीएच लो होती है। तो ये 1.25 केजी पहले महीने में हम रखेंगे, प्लांट छोटा है उसकी ज़रूरत कम है। फिर फास्फोरिक एसिड 0.8 केजी, वैसे तो ये लिक्विड होता है लेकिन ये केजी में हम एसिड को मैयत करते हैं। एसओपी 2 केजी। अब पर डे ड्रिप के साथ आपने कितना चलाना है वो आगे लिखा हुआ है, 0.416 केजी अमोनियम सल्फेट, यानी 416 ग्राम पर डे आप चलाएंगे तो पौधे की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इसी तरह एमएपी 41 ग्राम, फिर 26 ग्राम जो है वो फास्फोरिक एसिड, और 46 ग्राम एसओपी। तो ये 30 डेज के लिए देने हैं। फिर अगले जो दो महीने हैं 61 डेज से लेके 120 डेज, डीएपी जो आगे लिखा है डेज आफ्टर प्लांटिंग, यानी कि ट्रांसप्लांट करने के बाद के जो दिन हैं, 61 दिन से 120वें दिन तक, फिर हम इसको लेके जाएंगे अमोनियम सल्फेट 37.5 केजी, एमएपी 3.75 केजी, फास्फोरिक एसिड 2.4 केजी और एसओपी 6 केजी। आगे फिर अगेन उसका 625 ग्राम अगर डालेंगे तो ज़रूरत बाकी सारी आपने लिखी हुई है, ये प्रिंट आउट फॉर्म में भी हमने पंपलेट इधर हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये सारी डोजेज लिखी हुई हैं। तो मेरा ख्याल हम आगे चलते हैं ताकि टाइम ज़रा शॉर्ट लगे। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, अच्छा इसमें ये एंड पे ये है कि आखिरी जो दिन है ना 90 दिन, ये जाके कंप्लीट होंगे हमारे नवंबर में, तो नवंबर के बाद फिर खाद आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद वो नॉर्मली दिसंबर के मिड में क्रॉप तैयार होती है हार्वेस्टिंग के लिए। ड्रिप इरीगेशन, फिर पानी कितना देना है?